हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज ट्रेन। तो आज हम बच्चों पढ़ेंगे ट्रेन के बारे में। ट्रेन क्या होता है बच्चों? ट्रेन का मतलब होता है चेंज। सिंपल वे में आप इसको कैसे समझेंगे? चेंज होना, ठीक है, या इफेक्ट। चेंज और इफेक्ट, ठीक है। तो ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, या इसको आप कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्फ़िगरेशन। तो चाहे हमारी लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है, या ब्रेथ चेंज हो रही है, ठीक है, या वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो चेंज से मतलब है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज से मतलब है, तो उसको हम क्या बोल लेंगे? स्ट्रेन बोल लेंगे। यानी कि रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज वी हैव ए वायर एंड द टोटल लेंथ इज एल, टोटल लेंथ इज एल। अब हमने क्या किया बच्चों? इस पर फोर्स अप्लाई किया। तो जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में क्या बोला था? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो उसकी लेंथ में क्या हुआ? चेंज आया, ठीक है। उसकी लेंथ में क्या आया? चेंज। चेंज कितना आया? डेल्टा एल चेंज आया, ठीक है। तो यहां पर अगर चेंज लिखेंगे हम, चेंज इन डायमेंशन, सपोज करो ये चेंज इन लेंथ हुआ, ठीक है। जितना चेंज आया, कितना चेंज आया? डेल्टा एल। और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? एल थी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेन। और ये किस प्रकार की स्ट्रेन है? इसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। समझ में आया बच्चों? तो सिंबल हम यहां पर कई जगह इसका स्मॉल ई सिंबल ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर यूनिट की बात करें, तो यूनिट इसकी अगर देखेंगे तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, तो इसकी नो यूनिट बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी? नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं है, ठीक है। यानी कि ये क्या है? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। तो स्ट्रेन आपको बिल्कुल यहां से क्लियर हो जाना चाहिए कि स्ट्रेन इज ए इफेक्ट, स्ट्रेन इज ए इफेक्ट, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस इन बॉडी बाय डिफॉर्मिंग फोर्स। जो इफेक्ट होता है वो कैसे आएगा बॉडी में, कैसे प्रोड्यूस होगा? जब हम उस पर कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, यानी कि कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। तो टाइप ऑफ स्ट्रेन में जैसे हमने एक टाइप कर भी लिया है, तो सबसे पहला जो टाइप था वो क्या था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, यानी कि डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हम करेंगे शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन का मतलब क्या है बच्चों? के जैसे हमारे पास एक बॉडी है, इस प्रकार की बॉडी है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल है। तो हमने फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स लगाया, टेंजेंशियली फोर्स लगाया, तो होगा क्या कि जो हमारा बेस है वो फिक्स रहेगा, ऐसा हो सकता है, और जो ऊपर वाला फेस है, जो टॉप है इसका, वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चेंज होना मतलब डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। कितने और कितने डिस्प्लेसमेंट होगी? डेल्टा एक्स। सपोज करो, मान लेंगे हम यहां पर, अगर इसको हम यहां देखें तो इसमें कितना चेंज आएगा? इसमें भी डेल्टा एक्स चेंज आएगा। क्या आएगा? डेल्टा एक्स। तो यहां से यहां तक मतलब के चेंज कितना, लेंथ कितनी थी? एल। ये सरफेस एरिया, सरफेस है, ठीक है। सरफेस से लेकर इसका डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी है इसकी? एल, ठीक है।
तो कितना चेंज आया, और हम यहां एंगल भी शो कर सकते हैं, कितने एंगल से चेंज हुआ, थीटा एंगल से ये चेंज होता है, ठीक है। तो जो शियरिंग स्ट्रेन है इसका फार्मूला क्या आएगा, शियरिंग स्ट्रेन इसको हम डिनोट करेंगे ई से इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल, ठीक है। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है यहां पर, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय, और जो एल क्या है यहां पर, डिस्टेंस ऑफ द सरफेस, डिस्टेंस ऑफ द सरफेस, जहां चेंज आया वहां से सरफेस का जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर हम इसको दिखाएं अलग से कि हमारे पास ये तो था एल था, और चेंज कितना आया, ये चेंज आया, कितने एंगल का चेंज आया, थीटा एंगल का, और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, और ये चेंज था, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट था डेल्टा एक्स। तो हमारे पास जो फार्मूला आया डेल्टा एक्स बाई एल, तो ये किसके इक्वल आएगा, टेंजेंट थीटा, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां पर आप देखो, ये है स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज आता है जब भी हम फोर्स लगाते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम देखें, तो यहां पर अगर डेल्टा एक्स चेंज है तो ये थीटा एंगल भी क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा, थीटा एंगल भी क्या होगा, स्मॉल, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू नियरली इक्वल टू किसके आएगी, थीटा की, ठीक है, यानी कि और जो थीटा है वो किसमें मेजर करना है, रेडियन में, थीटा इन रेडियन, ठीक है। तो हमारे पास जो शियरिंग स्ट्रेन है, जो शियरिंग स्ट्रेन है वो किसके इक्वल आएगी, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल नियरली इक्वल टू थीटा, नियरली इक्वल टू थीटा। तो इसको हम बोलेंगे बच्चों शियर स्ट्रेन, क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है इसका वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो थर्ड टाइप है वो है वॉल्यूम स्ट्रेन, नाम से ही आपको इसका पता लग जाना चाहिए, वॉल्यूम स्ट्रेन का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, टू ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। सपोज करो ये हमारे पास कोई वॉल्यूम है, ठीक है, और हमने क्या किया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, एफ डिफॉर्मिंग फोर्स है, इक्वल अमाउंट में हमने क्या कर दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, तो होगा क्या कि बच्चे इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। और डिक्रीज होना मतलब यहां अगर हम माइनस यूज कर सकते हैं, कई जगह वॉल्यूम अगर इंक्रीज करता है तो प्लस यूज करेंगे, तो तब हमारे पास जो वॉल्यूम स्ट्रेन आएगा वो क्या आएगा, डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, और यहां पर चेंज कैसा है, डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कैसा हो रहा है, डिक्रीज होता है, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम उस बॉडी का डिक्रीज होता है, तो तब जो स्ट्रेन आएगा वो क्या आएगा, हमारा माइनस में आएगा, ठीक है, किस में आएगा, माइनस में। तो ये था वॉल्यूम स्ट्रेन। अब देखिए हमने स्ट्रेस कर लिया, स्ट्रेन कर लिया, ठीक है, अब दोनों एक दूसरे पर किस प्रकार डिपेंड करते हैं ये हमें बताया हुक्स ने, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हुक्स ने क्या बताया कि जैसे हमारे पास जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या आया था, एफ बाई ए फोर्स पर यूनिट एरिया, दूसरी तरफ जो हमने किया स्ट्रेन, भाई फोर्स लगाया हमने, स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेस अप्लाई करने का मतलब फोर्स अप्लाई किया, और फोर्स अप्लाई करने का मतलब स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेन होने का मतलब चेंज से है, स्ट्रेन होने का मतलब चेंज, कुछ ना कुछ चेंज आया उसमें, कुछ लेंथ चेंज हुई, अगर लेंथ चेंज होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है,
उसके बाद डेल्टा एक्स बाई एल, उसके बाद ये क्या था, ये सॉरी ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, और डेल्टा वी बाई वी। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इस प्रकार के इतने स्ट्रेन हमने कर लिए, ठीक है, इतना चेंज आया। तो हुक्स ने क्या बोला कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, ठीक है, और कहां तक, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है, यानी कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम स्ट्रेन जितना बढ़ाएंगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा, जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू, हम यहां पर कोई कांस्टेंट यूज कर लेते हैं ई, और इनटू स्ट्रेन, तो ई की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ठीक है, वेयर ई क्या है, ई कॉन्स्टेंट टर्म है, ई क्या है, कॉन्स्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्ट्रेस, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है। तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इसी को ही हुक्स ने क्या बोल दिया, मॉडुलस ऑफ, नोट करें आप, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है, ये उस मटेरियल की, जिस भी मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो भी हमने मटेरियल लिया है, भाई सबकी इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। तो अगर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है वो क्या है, ई है, वो ई कहां पर डिपेंड करता है, स्ट्रेस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व देखें, वैसे तो हम नेक्स्ट आगे इसका एक अलग से लेक्चर आपको बताएंगे, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक छोटा सा देखो कर्व दिखाते हैं आपको, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो जैसे जैसे हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उतना अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के, तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा यहां तक, ठीक है। अब जो ये लिमिट है, ये लिमिट को ही हमने क्या बोला, प्रोपोर्शनल लिमिट है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक, मतलब के ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, प्रोपोर्शनल लिमिट तक ये क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट, तो यहां तक आपके बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो हमारा जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन शो करेगा। तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, इसके फुल मतलब के पूरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो ये था हुक्स लॉ, ठीक है, और उसके बाद है बच्चों जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जैसे हमारा ये था ई, ई क्या था, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी टाइप हैं, तो वो टाइप को हम करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है, टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, यंग्स मॉडुलस से मतलब लॉन्गिट्यूडनल से है, इसको हम करेंगे गामा से डिनोट, और ये होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस
डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो वैल्यू हमारे पास पता है हमें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का हमने फार्मूला क्या आया था हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ या चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन, यही आया था। तो इसको हम शॉर्ट वे में लिखेंगे, कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल, ठीक है। यहां तक बिल्कुल समझ में आना चाहिए, तो ये फार्मूला याद होना चाहिए। इफ बॉडी इज वायर, अगर हमारे पास जो बॉडी है वो क्या है, अगर वायर है तो, वायर है तो यहां बढ़ाओ, देखो ये हमारे पास सपोज करो वायर है, ये इसका यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये उस वायर की पूरी लेंथ है, एल लेंथ है, और ये होगी उसकी आर, ठीक है। तो एरिया क्या होगा उसका बच्चों, पाई आर स्क्वेयर, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास है, ए पाई आर स्क्वेयर। तो हमारे पास जो गामा की वैल्यू आएगी वो कितने आएगी, एफ एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वेयर इंटू डेल्टा एल, ठीक है। अगर यूनिट की बात करें तो यहां लिखेंगे हम एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या बनेगी इसकी, देखो ये जो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, यूनिट लेस बन जाएगा, फोर्स की रह जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन, और यहां पर पाई कांस्टेंट है, तो आर क्या है, आर की मीटर हो जाएगी, यानी कि मीटर स्क्वायर, आर क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हम इसको पास्कल भी बोल सकते हैं, पास्कल यानी कि पी ए इसकी यूनिट हो जाती है। डायमेंशनल फार्मूला आप कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, एम वन एल माइनस वन और टी माइनस टू, ये आप निकाल सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास यंग्स मॉडुलस। सेकंड टाइप है बच्चों मॉडुलस का शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। तो शियर मॉडुलस क्या है बच्चों, इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और हम शो करेंगे इसको जी से। तो जी क्या है बच्चों, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस एफ बाय ए फोर्स पर यूनिट एरिया, और शियर स्ट्रेन क्या आया था हमारे पास फार्मूला, डेल्टा एक्स बाय एल, ठीक है। F यहां पर क्या है, F क्या है टेंजेंशियल फोर्स है, F क्या है टेंजेंशियल फोर्स। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, F L डिवाइडेड बाई A डेल्टा X, ठीक है। तो हमारे पास G की वैल्यू कितनी आ गई, F L A डेल्टा X। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास वैल्यू किसके बराबर आई थी, थीटा के, यानी कि जो डेल्टा एक्स बाई एल था ये थीटा के बराबर आया था, नियरली इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये था शियर स्ट्रेन, तो हम यहां पर लिख सकते हैं एफ डिवाइडेड बाई ए थीटा, ठीक है। तो यूनिट सेम रहेगी बच्चों, जो हमने पहले निकाली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और क्या आएगी पास्कल, ठीक है, पी ए पास्कल। और जो डायमेंशन फार्मूला आएगा एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो ये था शियर मॉडुलस। उसके बाद है नेक्स्ट जो टाइप है वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, थर्ड है जो वो क्या है बच्चों, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जैसे हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, वो स्फीयर का जैसे हमने देखा था
वॉल्यूम डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है जब हम उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। तो इसको बल्क मॉडुलस को हम डिनोट करेंगे के से, और फार्मूला इसका क्या बनेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आया था हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आएगा बच्चों, माइनस डेल्टा वी बाई वी, ये आया था हमारे पास। ठीक है, माइनस का मतलब क्या है, यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है सपोज करो, तो ये हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, एफ वी डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा वी। ठीक है, अब यहां पर एफ बाई ए, देखो एफ बाई ए जो टर्म है ये आपको पता हो जाना चाहिए, ये किसके बराबर है, पी के, पी मतलब प्रेशर, पी मतलब प्रेशर। ठीक है, तो के कितना आ जाएगा, यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे पास आ जाएगी पी वी और डेल्टा वी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां तक बिल्कुल आपको बच्चों ये क्लियर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करेंगे अगली वीडियो में, तो वीडियो देखना ना भूलें बच्चों, और हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक करें शेयर करें, और इसको अपने जो भी हैं यार दोस्त, ठीक है, उनके पास आप इनको पहुंचाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।